कसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम के प्रत्याशी कुलदीप तनवर ने आरोप लगाया है कि सरकारें अपने सामाजिक दायित्व से पीछे हट रही हैं, सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म कर निजीकरण की ओर बढ़ रही हैं। डॉक्टर कुलदीप तनवर ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि पेंशन खत्म करने का फैसला सामाजिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कर्मचारी अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल सरकार और राष्ट्र की सेवा में लगा देते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद जब उन्हें सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उस समय सरकार उनकी सेवा के बदले उन्हें बेसहारा छोड़ देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा एक तरफ कर्मचारियों से वायदे करती है तो वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ कोर्ट में लड़ती है। ओपीएस पर दोनों बड़े राजनीतिक दल राजनीति करते हैं। सीपीआईएम विधायक जीत के बाद सदन में कर्मचारियों के मुद्दे उठाते रहे हैं। कसुमपट्टी की जनता उन्हें मौका देगी तो वह भी सदन में आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि कसुमपट्टी में नशा चरम पर है। अमित शाह ने कल कहा कि आगामी 5 साल में इसे खत्म किया जाएगा। 5 सालों से हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। सीपीआईएम विधानसभा में कर्मचारी बागवान की आवाज को मजबूती दे से उठाएंगे। 11 जगह पर चुनाव लड़ रही है और हमारी उम्मीद है कि पिछली विधानसभा के अंदर साथी राकेश सिंह जो अकेले से हर वर्ग के मुद्दे उठाते थे, आने वाली विधानसभा के अंदर और भी साथी सीपीआईएम की जीत के विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे। और हमारा हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ ये वादा है, विशेष रूप से जो सरकारी कर्मचारी है उसके अलावा जो कंट्रेक्चुअल आउटसोर्स वर्कर है वो हैं, और दूसरी तरफ जो पेंशनर्स हैं और जो विशेष रूप से जो कॉरपोरेट कि से जो एम्प्लॉइज रिटायर होके जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिली है और जो लोकल बॉडीज़ के अंदर काम करते हैं और वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक एब्जॉर्ब होना चाहते हैं, उनके मुद्दों को पुरजोर से विधानसभा के अंदर उठाते हुए और सड़कों पर उन्हीं यूनियन फेडरेशन के साथ मिलकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत छोटी लैंड होल्डिंग है, उसके ऊपर आम लोगों का गुजारा नहीं होता। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन वन ऑफ द लोएस्ट है, तो इसलिए एक मुद्दा ये है। मगर साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में एक इको फ्रेंडली सस्टेनेबल टूरिज्म को एक डेवलप करते हुए हिमाचल प्रदेश में जो एडिशनल रोजगार निकले उस दिशा में, मगर टूरिज्म ऐसा ना हो कि उसके जो वाइसेस हैं या नशा है, जो कल अमित शाह जी ने भी पुरजोर यहाँ पर कहा है कि अगले 5 साल में ख़त्म करेंगे, क्योंकि जब अकाली और बीजेपी ये पंजाब के अंदर थी तो उस समय पंजाब को उड़ता पंजाब कहा जाता था और इलेक्शन के अंदर भी वही एक मुख्य मुद्दा रहा। इन मुद्दों के ऊपर भी, जो नशे के ऊपर, हम ये व्यक्तिगत तौर पर भी और ये लोगों को और विशेष रूप से माताओं बहनों को, वो लोग इससे बड़े भारी प्रभावित है हमारा शिमला और विशेष रूप से जो सुमटी का क्षेत्र है, कि इसके अंदर नौजवानों को एम्प्लॉयबिलिटी के लिए उनको आगे बढ़ाएंगे और अपने क्षेत्र के अंदर जो अन्य मुद्दे हैं जो विलेज लेवल के भी हैं, जो गांव लेवल के हैं, उनको भी हम उठाएंगे बहुत पुरजोर के साथ। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।